बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सऊदी अरब से लाई हूँ जी मैं आपको। अच्छा, कुछ मुनफरद चीज़ें आपको दिखाता हूँ आज, कुछ मुनफरद चीज़ें हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, दुनिया में आपने बहुत सी अजीब चीज़ें देखी होंगी और इसमें एक अजीब चीज़ मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। यमनी हकीक तो आपने सुना होगा, पहले तो आप ये इसका अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया का ओरिजिनल हकीक माना जाता है, यानी कि पत्थर, उसे बोलते हैं जी यमनी हकीक। तो यहाँ पर देख लें आप, ये यमनी हकीक की चट्टानें नहीं है, ये आपको क्लियर कर दूँ पहले ही मैं, लेकिन वो इन्हीं एरियाज़ में मिलता है। आप इन चट्टानों की देख लें लुक कैसी है, जैसे कुदरती तौर पर ये बनी हुई हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे इनको तराशा गया हो। जैसा कि ये देख लेंगे आप, तो ऐसे हैं बिल्कुल जैसे कुदरती तौर पर तराशा गया हो। और इसके अलावा आगे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो इन जंगलों में आम है, ये देख लेंगे। तो मैं खुद हैरान हूँ, बिल्कुल पॉलिश हुई हैं, जैसे हम घर पर पत्थर लगाते हैं ऊपर से पॉलिश करवाते हैं। तो ये क्यों भाई, कि ये वादी है, पानी चलता है, इधर बारिश बहुत होती है इन एरियाज़ में, तो जब पानी आता है, बहाव होता है पानी का बहुत ज़्यादा, तो उसी में बर उसी की पानी के निस्बत ये ऐसे गोल हो गई हैं। और उसके अलावा उसी पानी में बहकर आती हैं जी कुछ हकीक वगैरह। पत्थरों की तादाद देख लें आप यहाँ पर कितनी पड़ी हुई है, बहुत अजीब किस्म के और बहुत कलर किस्म के पत्थर हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाने वाला हूँ और वो है जी ये बड़ा दरख्त नहीं, इसके साथ ये छोटा लगा हुआ है। इसकी ख़ास बात क्या है, इसके ऊपर कोई पत्ते नहीं है, टहनियाँ नहीं है इसकी, सिर्फ आपको दिखाई देगा ये एक दरख्त, इसका तना और इसके ऊपर लगे हुए फूल। अच्छा, मैं क्लोज करके आपको करीब जाकर दिखाऊंगा अभी ये फूलों का कलर वगैरह और इसकी लुक। एक चीज़ तो आप ये भी देख लें, ये दरख्त है माशाल्लाह, इसकी छांव देख लें आप, तो इसके नीचे देख लें आप, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बाकायदा नीचे सुरंगें बनी हुई हैं। जानवर जो इन एरियाज़ में रहते हैं वो गर्मी से बचने के लिए इसमें ज़ाहिर सी बात है अपने घर इधर ही बनाते हैं। तो नीचे जाता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं, एक दरख्त तो वो है जी ऊपर, उसके करीब नहीं मैं जा सकता, काफ़ी ऊंचाई पर है और बिल्कुल स्ट्रेट ऊंचाई है, तो उसके ऊपर भी फ्लावर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपको मैं दिखाऊँगा अभी जो मैंने आपको पहले दिखाया वो। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको पहले दिखा दूँ, तो एक तो ये है जी, लेकिन जो ना जिसके फ्लावर काफ़ी रेड हैं उसके करीब जा रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। पत्थर हैं इनमें, पत्थरों में आपको पता है सांप बहुत होते हैं, तो इस चीज़ पर भी नज़र रखनी पड़ती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ये है जी माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देख लें। अच्छा, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, नीचे देख लें वादी है, तो लेकिन इन वादियों में बारिश का पानी इनको लग जाए बस, तो इनकी खूबसूरती देख लें।